सकते हैं त्रिभुजों के गिनने का एक क्रम होता है जिसे जो बच्चे इसमें आसानी से गलतियां कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस त्रिभुज के काउंटिंग की। जैसे कि आपको एक त्रिभुज दिख रहा है छोटा सा, इसको आप गिनने में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक त्रिभुज है। अगर आपको बीच में एक लाइन दे दिया जाए तो इसका मतलब ये रहा एक और ये दो और ये पूरा तीसरा त्रिभुज हो गया। इसमें तीन त्रिभुज हैं, तीन त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसमें दो लाइन खींच दिया गया बीच में, तो आपको गिनने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन तभी भी आप गिन लेंगे। तो आइए बात करते हैं त्रिभुजों गिनने की। ये एक त्रिभुज रहा, इसमें एक लाइन खींचा गया, दो लाइन खींचा गया। अगर आप गिनेंगे तो इसको मैं ये रहा पहला भाग, ये रहा दूसरा भाग, ये रहा तीसरा भाग। इसको गिनने के लिए पहला भाग को जोड़ेंगे, फिर दूसरा भाग, फिर तीन भागों की नंबर को जोड़ देंगे, उनके इस वैल्यू को। तीन दो पाँच एक छः, छः आंसर आ गया। मान लीजिए इसी में एक लाइन और बढ़ा दिया गया है, बीच में एक लाइन और खींच दिया गया जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया है। तो इस वाले में पहला भाग जोड़ा गया, फिर दूसरा भाग, फिर यहाँ तीसरा भाग, फिर ये चौथा भाग। चार तीन सात, आठ नौ एक दस, आंसर आया 10। ये तो हो गया ऐसे त्रिभुजों की संख्या जो त्रिभुज नॉर्मली त्रिभुज के साइड शेप में दिया रहता है। कई बार दिया जाता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, इस तरह दे दिया रहता है। बीच में अगर एक लाइन रहेगा तो ये पहला भाग और दूसरा भाग हो जाएगा, बाकी इसमें कहीं त्रिभुज बन नहीं रहा है, आप देख ही रहे होंगे। दूसरा भाग आता है इस प्रकार का कि अगर कोई स्क्वायर दिया है और इसमें एक भाग काटा है, क्रॉस बना है बीच में, तो ये भागों की संख्या हो जाएगी एक दो तीन चार भाग पूरे हो जाएंगे। आपको इसमें चार त्रिभुज तो आसानी से दिख रहे हैं, लेकिन चार इसमें हिडन ट्राइंगल होते हैं। ये हिडन ट्राइंगल कौन से हैं? ये ट्राइंगल, फिर ये ट्राइंगल, फिर ये ट्राइंगल, फिर ये ट्राइंगल, कुल मिलाकर इसमें आठ ट्राइंगल हैं। इसको ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। इसको यहाँ पर देखिए, ये क्रॉस हो गया पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो इसमें सबसे बड़े वाले नंबर को लिखिए और इसमें दो से गुणा कर दीजिए, आठ हो जाएगा। ये रहा बेसिक लेवल। बेसिक लेवल के बाद आपको हम एक होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को आप सॉल्व करिएगा। हो जाएगा तो कमेंट करिएगा, नहीं हो तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इससे आर्ट लेवल 2 का ट्राइंगल काउंटिंग बताएंगे। इस वीडियो में के लिए इतना ही, धन्यवाद। कि कमेंट करें आंसर, इसको पिक्चर को देखें, ट्राइंगल को, इसको भी आप आसानी से गिन सकते हैं। इसमें हिडन ट्राइंगल कई आपको मिलेंगे, उसको मत भूलिएगा। थैंक्स।